गई जब आपके प्रस्ताव ने इनकार कर दिया, फिर आपका नामांकन गलत हो गया। 10 प्रस्तावक होते हैं, उनमें से एक ने आपके इनकार कर दिया, तो मरने का कौन सा इसमें उछाल है? चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे का। यूपी के अमरोहा में एक ऑटो रिक्शा चालक की चुनाव लड़ने की हसरत अधूरी रह गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उसका नामांकन निरस्त कर दिया। नामांकन निरस्त होने पर ऑटो रिक्शा चालक फूट फूट कर रोने लगा। उसने डीएम कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। पुलिस अधिकारी उसे समझाते रहे, लेकिन वो आत्मदाह की धमकी देता रहा। उसने बीजेपी प्रत्याशी पर नामांकन निरस्त करवाने का गंभीर आरोप लगाया है। पहले आप हमारी बात सुनिए, कानून के बारे में बात करिए वकील साहब। से जब आपके एक प्रस्तावक ने इनकार कर दिया, जब आपके एक प्रस्तावक ने इनकार कर दिया, फिर आपका नामांकन गलत हो गया? मरने की बात कैसे कर रहे हैं आप? अरे तो ला दोगे, उसका समय सीमा खत्म हो गई। एक निर्धारित समय सीमा होती है ना, लालटेन और टाइम में यहां मरूं या कहीं ऊपर मरूं, मरने की बात तो कर रहे हैं। ना ना मरने की बात तो लालटेन आप मेरे पैसे को देगा, मैं जान तुम पकड़ाऊं, जान को लोन लेकर आया, चला आता बैठे रात रात को चाटो जब जो रात को बाहर मुझे पता मेरी बात सुनो आप। ये गलती है, गलती सभी है ना। अरे गलती का करे उस बारी कहा हो गए, गई गई अकल में छोड़ के मत कोई करे अकल तो याद ही चली गई। अरे पानी रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। अरे बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। मेरे गांव वालों को योजना के बारे में बताता रहा हूँ, योजना की जानकारी है मुझे, योजना की सब जानकारी है, सब बहुत काम करवाता रहा हूँ, राशन कार्ड भी सब काम करवाता रहा हूँ। क्यों आए हो आप यहाँ पे? मैं ये मेरा प्रत्याखंड चल कर आया, एक प्रस्तावक ने बीजेपी वालों ने वोट ले दिया। प्रस्तावक मुझे पता है उसका, मुझे पता है आता है। तुम्हारा एक आदमी ने अपना जो है समर्थन देने से प्रस्ताव 10 प्रस्तावक होते हैं, उनमें से एक ने आपके इनकार कर दिया, मैं मरूंगा। तो मरने का कौन सा इसमें उछाल है? क्या नाम है तुम्हारा? अमित चौहान, करणपुर वापिस तहसील। क्या मामला, क्यों रो रहे हो? बीजेपी वाले ने मॉल को ले लिया उसे। तो क्या हुआ फिर? क्या हुआ, कैंसिल करा दिया प्रस्तावक के। कागजों में कोई कमी नहीं है मेरे, बिल्कुल भी एक एक नंबर के कागज है। तो क्या मतलब तुम्हारा पर्चा कैंसिल? कैंसिल करा प्रस्तावक ने चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे अच्छा कहाँ के रहने वाले? करणपुर वापिस तहसील हसनपुर जिला अमरोहा। अच्छा, कब भरा था पर्चा आपने? 14 दिन होगा, तीसरा दिन होगा। कौन था आपका वो प्रस्ताव? प्रकाश। अच्छा, तो फिर कब पता चला तुम्हें ये? आज वकील साहब ने फोन करा, मैं आने आने में देर हो गई मुझे। अच्छा, मैं इनसे बार बार कह रहा हूँ, एक जने से कुछ मेरे निर्वाचन आयोग 1950 पर फोन कर रही है, कर रहा दिल्ली पर, दिल्ली को मैं इंटरनेट पर सब निकाल लूँ, मैं इंटरनेट का काम जानू मैं। अच्छा हाँ, तो फिर क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्स मिला? कैंसिल होगा प्रस्ताव करगा साइन। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? मैं तो बाजी का मरूंगा, मेरा कैंसिल लाओ।
क्या करते हो आप? मैं टेम्पो चलाऊंगा, अपना ऑटो, अपना ऑटो मैं नॉर्मल याद है रबी पुष्पा सब कुछ सेवा करूंगा, मैं जनता की सेवा करता रहूं, मैं योजना के बारे में जानकारी है मुझे, हां ब्याज पे लिया मैंने वैसे जाने टेम्पो लिया किस्तों पे काम मेरा। तो क्यों लड़ना चाहते थे? मैं अपना जनता की सेवा करना चाहता हूं बस, टेम्पो वाला पैसा लिया जा रहा है हमारे खड़ा हूँ मैं, बीजेपी वाला लेते हैं पैसा, मैं अंदर विधायक भी लेते हैं, सब लेते हैं सब जितने भी नेता आ जाए, ये मैं अंदर विधायक भी सब लेते हैं पैसे, हम तो लेते हैं मुंशी बैठा रखे, जगह दलाल बैठा रखे, टेम्पो चलवाने के बाद मुंशी बैठा रखे, जगह जगह दलाल बैठा रखे। तो आप टेम्पो वालों की मदद करने की वजह से चुनाव लड़ रहे हो? इसी वजह से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बस, गरीब जनता के बारे में योजना का लाभ मिल सके, बड़े बड़े पेंशन सब काम कराता रहता हूँ मैं, आगे भी करता मैं, मेरे पर्चे कुछ नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद, नमस्कार।